हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरा और यहां पर ऑनर ने आज इंडिया में अपना एक फ़ोन लॉन्च कर दिया है, वो भी बड़ी ही एक्साइटिंग प्राइस रेंज के साथ, जो कि है ऑनर 8X, जिसके कारण उसका डायरेक्टली कॉम्पिटिटर बन जाता है ओप्पो की तरफ से आने वाला रियलमी 2 प्रो। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों फ़ोनों का और देखते हैं कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले हम दोनों फ़ोनों की स्क्रीन कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑनर 8X में मिल जाती है 6.5 इंचेस के फुल HD प्लस, यहाँ पर आपको नॉच मिलता है जिसके कारण इसका एस्पेक्ट रेशियो हो जाता है 19.5:9 का। पिक्सल डेंसिटी होती है 396 PPI की। वहीं दूसरी तरफ आपको रियलमी 2 प्रो में थोड़ी सी छोटी स्क्रीन मिलती है, बट यहाँ पर आपको 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस मिलती है स्क्रीन, बट यहाँ पर आपको जो नॉच मिलती है वो मिलती है वाटर ड्रॉप साइज़ में, जो कि थोड़ी सी छोटी है और एक यूनिक लगती है, जिसके कारण उसका एस्पेक्ट रेशियो हो जाता है 19.5:9 का। पिक्सल डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि है 409 की। यहाँ पर आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है, जो कि है कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 का, जहाँ पर आपको ऑनर 8X में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों की बॉडी की। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, ऑनर 8X विनर है, क्योंकि यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम प्लस ग्लास बॉडी मिल जाती है। दिखने में भी दोनों में से आपको ऑनर 8X मिलेगा बेटर, क्योंकि अगर आप दोनों फ़ोनों में आपको ब्लू कलर अवेलेबल है, आप दोनों को फ़ोन के ब्लू कलर देखेंगे तो आपको जो ऑनर 8X का जो कलर है ब्लू, वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी बेटर लगता है। तो अगर बॉडी और लुक वाइज कहें तो ऑनर 8X ज़्यादा बेटर निकलता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम की और प्रोसेसर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोनों ही फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड 8.1 यानी ओरियो मिल जाएगा, बट यहाँ पर उन दोनों फ़ोनों ने अपनी अपनी स्क्रीन चढ़ाई है, जो कि है ऑनर 8X में आपको मिलेगी EMUI 8.2, वहीं दूसरी तरफ रियलमी 2 प्रो में मिलेगा आपको ColorOS 5.2 का। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर आपको ऑनर 8X में मिलेगा हाई सिलिकॉन किरिन 710, जो कि बना है 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। वहीं दूसरी तरफ आपको रियलमी 2 प्रो में आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660, जो कि बना है 14 नैनोमीटर की फिनफेट टेक्नोलॉजी पे। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि जो 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ की गई है ऑनर 8X में, थोड़ी सी वो एनर्जी एफिशिएंट होगी, क्योंकि वो 12 नैनोमीटर की साइज़ छोटा है। वहीं दूसरी तरफ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 14 नैनोमीटर पे, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। बट यहाँ पर अब बात कर लेते हैं CPU की। तो CPU तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। यहाँ पर जो GPU इन दोनों फ़ोनों का, वो थोड़ा सा डिफरेंस ला देता है, क्योंकि जो ऑनर 8X में GPU मिलता है वो मिलता है माली G51MP4 का। वहीं दूसरी तरफ आपको स्नैपड्रैगन यानी रियलमी 2 प्रो में आपको जो GPU मिलता है वो मिलता है एंड्रेनो 512 का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है? तो जैसा कि आपको पता होगा कि ऑनर 8X ने अपने फ़ोन में GPU टर्बो दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया है कि वो अपनी एक्स्ट्रा दे आपको और ग्राफिक्स, वो तो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि वो इसके ग्राफिक्स को और मेंटेन कर सके, क्योंकि उसके जो GPU है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए GPU टर्बो दिया गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इसमें GPU टर्बो दिया गया है तो आपको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी, नहीं, वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेमोरी यानी कार्ड स्लॉट और रैम की। तो आपको दोनों फ़ोनों में डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रियलमी 2 प्रो में आपको 256 GB का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, वहीं ऑनर 8X में 400 GB का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों में रैम की। तो यहाँ पर आपको ऑनर 8X में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, 4 GB रैम के साथ 64 GB, 6 GB रैम के साथ 64 GB या 128 GB। बट यहाँ पर आपको Realme 2 Pro में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 4 GB रैम के साथ 64 GB, 6 GB रैम के साथ 64 GB या 8 GB रैम के साथ 128 GB की। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के सबसे मेन हाईलाइट, जो कि है दोनों के डुअल रियर कैमरा। तो चलिए पहले हम ऑनर 8X की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको जो डुअल रियर कैमरा मिलता है वो मिलता है 20 MP प्लस 2 MP, जो यहाँ पर 2 MP का कैमरा है डेप्थ सेंसिंग के लिए, और जो 20 MP का कैमरा है वो मेन कैमरा है, जिसका अपर्चर साइज है 1.8 का। वहीं दूसरी तरफ आपको रियलमी 2 प्रो में 16 MP प्लस 2 MP, यहाँ पर भी डेप्थ सेंसिंग के लिए यूज़ होता है 2 MP का कैमरा, और जो 16 MP का है वो मेन कैमरा है, यहाँ पर आपको अपर्चर साइज मिलेगा f1.7 का। यहाँ पर जो उसके पिक्सल साइज भी दिया गया है वो है 1.12 µm का। और दोनों ही फ़ोनों में आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है, HDR भी मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं वीडियो की। तो दोनों ही फ़ोन 4K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको
ऑनर 10 में स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों के सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरा की। तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोनों में 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, जिसका अपर्चर साइज़ दोनों का ही सेम है जो कि f2.0 का। दोनों ही फ़ोनों में आपको और HDR मिल जाएगा। 1080p में आप 30 फ्रेम तक दोनों ही फ़ोन के सेल्फी वाले कैमरा से शूट कर पाएंगे। दोनों ही फ़ोनों में आपको 3.5mm जैक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सारे सेंसर्स की। तो दोनों ही फ़ोनों में आपको सारे सेंसर भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों फ़ोनों की बैटरी की। तो यहाँ पर आपको बैटरी में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जो Honor 8X में थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी है 3750mAh की, वहीं दूसरी तरफ पर Realme 2 Pro में 3500mAh की बैटरी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है Honor 8X को। बट यहाँ पर दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करते हैं। बट आपको एक चीज़ बता दूँ, जो Qualcomm Snapdragon यानी जो Realme 2 Pro में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4.0। बट ये कंपनी की मर्जी है वो आपको ये दे या ना दे। तो ओवरऑल कहूँ तो आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपको दिखने में यूनिक हो, एकदम दिखने में एकदम अलग सा हो, जिसमें ग्लास पैनल हो, तो आप देख सकते हो Honor 8X। और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो थोड़े से कम प्राइस रेंज में मिल जाए, तो वो है Realme 2 Pro। बट यहाँ पर आपको कुछ कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं Honor 8X में, और कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं Realme 2 Pro में। दोनों ही फ़ोनों में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर Realme 2 Pro में आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, वहीं दूसरी तरफ आपको Honor 8X में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बॉडी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कंपैरिजन Honor 8X और Realme 2 Pro पे। अगर आपको भी कुछ कंपैरिजन में कमी लगे या कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दबा दीजिए साथ में बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो टाइम पर मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम सौरभ फ्रॉम टेक मी टेक्निकली।